बहुत बहुत मुबारक हो रंजीत। थैंक यू सर। सर बस आपके आने के थोड़ी देर पहले मुझ जैसा अच्छा पति हुक करने की खुशी में इन्होंने ऐलान किया है कि हमारे पुलिस शहीद जवानों की विधवाओं के वेलफेयर फंड के लिए ये फर्स्ट क्लास डांस का प्रोग्राम 16 अगस्त को देंगे। क्या? बताता हूँ। देखिए सर, औरतों को भी अपनी तारीफ सुनने का कितना शौक होता है। आप भरतनाट्यम और कथक की शास्त्रनी है। क्या शास्त्री का फीमेल जेंडर में नहीं जानता। और देखिए सर, ये भी बताने को कह रही हैं कि उस रोज ये दुल्हन की तरह वीर बहुटी बनी स्टेज पर आएंगी। ये वीर बहुटी क्या होता है बेटा? वीर बहुटी माँ, वीर बहुटी तुम्हारी बहू की तरह बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मखमल की तरह प्यारा सा कीड़ा होता है। नहीं, मेरा मतलब है कि बहुत ही फूल जैसा प्यारा खूबसूरत कीड़ा ही तो होता है। इस शो के लिए मैं पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से अभी आपका शुक्रिया अदा देता हूँ। अरे सर, अभी शुक्रिया अदा मत कीजिए, बनाए कहेंगी कि शुक्रिया तो वसूल हो गया है, शो करने की क्या जरूरत है। आउच! सर देखिए, ऑफिसर ऑन ड्यूटी पर हमला किया जा रहा है। अच्छा ठीक है, शादी बजाने दीजिए, फिर देख लूंगा। काली पारियों की दाहिनी तरफ देखा गया। अगर आप इजाजत दें। नहीं नहीं, मैं खुद उसे पकड़ूंगा। डैडी, एक जरूरी काम है, मैं अभी जाकर। आज तुम छुट्टी पे हो, आप लोगों का भी कमाल है, चले आए जरूरी काम लेकर। हम कभी छुट्टी पर नहीं होते, विदाई कर लीजिएगा। जाने मन, इस गुस्ताखी माफी हम आपसे रात में मांग लेंगे। आज तक मुझे किसी ने गाली देने की हिम्मत नहीं की। आदमी काफी कड़क हो, मुझे छोड़ने का क्या लोगे? आज तक मुझे किसी ने रिश्वत देने की हिम्मत नहीं की। ये तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा। मुझे आज तक किसी ने धमकी देने की हिम्मत नहीं की। डीएसपी रंजीत सिंह, शायद तुम्हें पता नहीं, आज तुम्हारी उम्र की लकीर कितनी छोटी हो गई है। ये तो उस दिन पता चलेगा जिस दिन मेरे सामने तुझे फांसी के फंदे पर लटकाया जाएगा। चल। Well done, Ranjit. Well done. I'm proud of you. आज तुमने उस आदमी को गिरफ्तार किया है जो बरसों से कानून का मजाक उड़ा रहा था। Congratulations. Thank you, sir. तुम्हारी बीवी बहुत मुबारक साबित हुई है। मेरे लिए या कानून के लिए? है, दोनों के लिए। कानून को बलबीर जैसा नोटोरियस बदमाश मिल गया और तुम्हें प्रमोशन मिल जाएगी। थैंक यू सर, मैं चलता हूँ। ऑल द बेस्ट। इसे संभाल कर रखना। सर आप जाइए, मैं इसे संभाल लूंगा।
वहां सब आपका इंतजार कर रहे होंगे। रंजीत सिंह, इस जिल्लत का कर्ज तुम सूद समेत उतारोगे। नहीं, इसका मौका तुम्हें नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं तुम्हें फांसी चढ़ाने वाला हूं। अरे भाई साहब आप। दरअसल मैं भाई साहब, शीला के दहेज में एक चीज रह गई थी तो वो पहुंचाने आया। ऐसी भी क्या चीज थी भाई साहब? भाई साहब, शीला के दहेज में एक नग बाप रह गया था। मैं अपनी बेटी शीला के बगैर अकेला नहीं रह सकता, इसलिए कुछ दिनों के लिए आपका मेहमान बनना चाहता हूँ। जरूर जरूर, लेकिन एक शर्त। वो क्या? पहले मेरे जैसा मोटा बंप होना। लेकिन मेरी बेटी और दामाद नहीं दिखाई देती। आप भी कैसी बातें करते हैं भाई साहब, शादी की पहली रात दूल्हा दुल्हन कहाँ हो सकते हैं? अरे ये क्या कर रहे हो? अरे वासा, इस लगाते हुए तो फटाफट गाने गाया करती थी, और अब सुहागरात के बाद जरा भी कोऑपरेट नहीं करती। माना कि आपकी आंखें बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन होंठ भी तो नमकीन है। अरे भाई साहब, आज ही कोशिश करें तो कुछ होगा। अब हम कुछ करवा दीजिए तो अच्छा है। चलो हिस्सा जलाते हैं सब। आवाज़ कैसी? सब लोग पटाखे जला रहे हैं ना? नहीं, ये पटाखों की आवाज नहीं हो सकती। छोड़ दो। नहीं, नहीं, नहीं।
गया। वंशोदय। मैंने कहा था ना, मेरी जिल्लत का कर्ज तुम सूद समेत उतारोगे। नहीं मारो, नहीं, नहीं मारो, छोड़ दे इन्हें, नहीं रंजीत, रंजीत ने मारो, रंजीत। ये चला इसे। हाँ, कहाँ ले जा रहे हैं इन्हें? खबरदार जो कोई भी आगे बढ़ा। लाल मिर्ची बड़ी तीखी है, चख के देख ले दोस्त। हमें मामला कुछ अनशन सा लगा, इसलिए हम चले अंदर। भाई यहां से छोड़ लीजिए, क्योंकि बलबीर के आदमियों का अड्डा सेहत के लिए काफी खतरनाक है। तुम मेरा एक काम करोगे? फरमाइए। मुझे बलबीर चाहिए। बलबीर किस लिए? ये सब मैं बाद में बताऊंगी, उसके हाथ बांध कर मेरे सामने फेंकना होगा। काम कुछ टेढ़ा है मैम साहब। मैं कोई भी कीमत देने के लिए तैयार हूँ। 10,000, 20,000। आप मुझे 15,000 दे सकती हैं? मैं हर खास काम अपने बड़े ही जिगरी दोस्त के साथ करता हूँ, और उसे लाने के लिए उन रुपयों की सख्त जरूरत है। तेल लोहे के हार कुछ नहीं यार, साला जेलर से थोड़ा लफड़ा हो गया, इसीलिए कहता हूँ गुरु कि अकेले अकेले जेल मत आया कर। साला जब भी अकेले आता है कोई ना कोई लफड़ा झगड़ा कर ही लेता है। सजा हो जाने दे, 6 महीना भी टिक गया ना, साले जेलर को छठी का दूध याद दिला दूंगा। साला पब्लिक सर्वेंट होकर पब्लिक से पब्लिकबाजी करता है। तुझे सजा नहीं होगी,
जुगर खाने के मालिक को हमने तोड़ लिया है। वो तेरे खिलाफ बयान नहीं देगा बे। क्यों किया ऐसा? कुछ दिन आराम कर लेता। अबे अभी जो काम हाथ में लिया है वो मैं अकेला नहीं कर सकता। वो काम खत्म करने के बाद हम दोनों इकट्ठे 4-6 महीने की छुट्टियां मनाने यहाँ चले आएंगे। ए, क्या करते हो? रो रहे हैं, रो रहे हैं। नमस्ते कपूर जी। नमस्ते चले जी, कैसी हैं आप? अच्छी हूँ। मीना कब आ रही है? छुट्टियां तो हो चुकी हैं, एक दिन आने वाली होगी। अच्छा। ये मोटरसाइकिल की आवाज मुझे अच्छी नहीं लगती। ए पप्पू, बंद कर ये शोर। आओ आओ करुण बहन, आओ। ये इस डिब्बे में क्या छुपा के रखा है? हलवाई के यहाँ से दही लाई हूँ। दही के बिना निवाला नहीं टूटता जानू का। नमाज से लौटते ही पूछेगा, अम्मा दही लाई? दही और नमाज के सिवा और कुछ नहीं सोचता उसे।